उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023 काफी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आज उत्तराखंड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका पेपर दिया होगा। तो आज की वीडियो आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए खास रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज का पेपर था किस प्रकार का लेवल के क्वेश्चन उस पर पूछे गए थे और कब तक आपके आंसर की यहाँ पे जारी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। ध्यान देने स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। तो जैसे कि तमाम छात्र छात्राओं को पता था कि जो उनका पेपर था यहाँ पे 200 नंबर का यहाँ पे पेपर था और जो लेवल की यहाँ पे बात करते स्टूडेंट, जो क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पे बात करूँगी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे यहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ हिसाब से यहाँ पे लेवल की बात करेंगे। तो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे लेवल था जिसमें से आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडरेट दिखे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे यहाँ पे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे स्टूडेंट, जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिवृत्ति के क्वेश्चन थे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट 50 क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन थे, तो जो जीके के क्वेश्चन भी थे आपके इजी टू मॉडरेट मोड पे पूछे गए थे, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी। जो वन ऑफ द मोस्ट जो टफेस्ट पोर्शन था जो स्टूडेंट आपने देखा होगा, जो इस बार का जो पेपर लेवल था बाकी पेपर के कंपेयर में जो रीजनिंग का लेवल था, प्रत्येक बार जो रीजनिंग रहती है आपके पास काफ़ी इजी पूछी जाती है, लेकिन इस बार की जो रीजनिंग थी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। आपने जो पेपर का लेवल देखा होगा रीजनिंग का, मॉडरेट टू टफ था स्टूडेंट। आपने देखा होगा जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तो इतने तगड़े क्वेश्चन थे रीजनिंग से, जो काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी जो ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चन थे, ज्यामिति आकृति वाले क्वेश्चन थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार रीजनिंग से रिलेटेड वहाँ पे पूछे गए थे। तो आपने देखा होगा जो 50 जो रीजनिंग में से 50 में से जो 15 क्वेश्चन थे वो काफ़ी मॉडरेट थे, बाकी कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग में काफ़ी ईजी थे। लेकिन जो काफ़ी टफेस्ट जो पैटर्न था स्टूडेंट, जो लगा जो सेशन था वो था मैथमेटिक्स का। मैथ्स के क्वेश्चन आपने देखे होंगे स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन थे तो 50 में से जो क्वेश्चन थे टफ थे, जिसे हम कह सकते हैं 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे। टफ का कहने का मतलब है मॉडरेट लेवल, जिसे आप कहते हैं स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की मैथ्स वीक होगी या आर्ट्स साइंस वाले होंगे जरूर उन्हें मैथ्स काफ़ी टफ लगी होगी, लेकिन जिनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थी, कहने का मतलब जो बीएससी वाले स्टूडेंट थे, उन्हें कहीं ना कहीं मैथ्स के 8 से लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ पर टफ लगे होंगे। तो कुल हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट जो लेवल था आपका मॉडरेट टू टफ पेपर लेवल था, और ज़रूर स्टूडेंट इसकी जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी नीचे जाने वाली है। सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़कर और जीके के क्वेश्चन को छोड़कर जो पेपर का लेवल आपका ईजी था, बाकी रीजनिंग और मैथ्स के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू टफ यहाँ पे पेपर का लेवल था स्टूडेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अगर आपको लेवल यही सेम लगा जो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, जो फाइनल आंसर की आपकी आएगी हो यूके डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट में आएगी, और जो आपके आंसर की है 26 से लेकर 27 के बीच में आपके आंसर की यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। और जैसे कि इसके रिगार्डिंग आने वाले दिनों में वीडियोज़ प्रोवाइड करने वालों की कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टॉप था, तो जरूर यहाँ पे जो कट ऑफ इस बार काफी नीचे जाने वाली है। इसके रिगार्डिंग मैं आने वाले दिनों में फुल वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम स्टूडेंट के हेल्पफुल रही होगी। अनदर क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।